आजम भगत सिंह आपकी तरह स्टूडेंट थे। जब शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे, क्योंकि कल 15 अगस्त आज़ादी का दिन, उनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली, वो भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में थे। उस वक्त के राजनीतिक लोगों की बात कर रहा हूँ, आज के राजनीतिक व्यक्ति और उस वक्त के राजनीतिक व्यक्ति। चंद्रशेखर आज़ाद भी राजनीतिक थे, सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, पर उनका मकसद था कोई, उन नौजवानों का उस वक्त आप जैसी उम्र में थे, उनका एक मकसद था कि आने वाली जनरेशन के लिए इस भारत को आज़ाद कराना, फांसी के फंदों को, रस्तों को चूमना, सीने पे गोलियां खाना और इस भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाना, ये उनका मकसद था। और जब ये लोग अपने घरों से निकलते थे, चाहे वो जलियांवाला बाग के शहीद हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हों, शहीद आजम उद्धम सिंह हों जिन्होंने जनरल डायर को इंग्लैंड में जाके गोली मारी थी, जलियांवाला बाग का बदला लिया था, चाहे वो इस्तफाकुल्ला खां हो, ये लोग जब अपने घरों में देशभक्त निकलते थे, स्टूडेंट थे, तो अपनी माँ को कहते थे, माँ गोली सीने पे खाएंगे, इस भारत माता को आज़ाद कराएंगे। ये घर से कह के निकलते थे। और एकदम आज 60 साल हो गए, 60 साल जिंदगी के कुछ नहीं होते, 60 साल में राजनीति का एकदम कितना परिवर्तन आ गया। आज का पॉलिटिशियन क्या कहता है, बुरा ना मानना, मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, आज का पॉलिटिशियन कहता है माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को नोच नोच के खाएंगे, माँ गोली सीने पे नहीं खाएंगे, भारत माता को दोबारा गुलाम बनाएंगे। कल 60 साल पूरे होने जा रहे हैं आज़ादी के। ये मैं हकीकत राजनीति की बात बता रहा हूँ, वो राजनीति नहीं रही। बाहर लिखा हुआ है एंटी टेररिस्ट फ्रंट, ये इधर भी आ सकते हैं। पहले आपने आपको सारा ठीक किया, वो हैरान हो गया, डर गया, मैं कह नहीं आप बैठो, आपको कुछ नहीं होता। बाहर सारी सुरक्षा फोर्सेज, रात की ड्यूटी वालों को उठाया, अभी आप उठ के बिल्कुल तैयार हो जाइए। हम बाहर निकलने लगे, हमारे पुलिस वालों ने रोक दिया कि पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर, आप बाहर नहीं जा सकते। मैं क्यों, कहते गोलियां चल रही है। मैं कहा यही तो वक्त है बंदूक लेके निकलने का, यह जवान का अकेले का काम नहीं गोली चलाना, हमारा भी काम है इन आतंकवादियों का मुकाबला करना। हम सुरक्षा फोर्सेज के बगैर चंद लोग थे, क्योंकि हमारी सुरक्षा फोर्सेज दूर से आती, ब्लैक कमांडो, चंद लोग थे। हम निकल गए, हम हॉस्पिटल में गए, ब्लड का इंतजाम किया, डेड बॉडी आ रही थी, जख्मी हो लोग आ रहे थे। और बड़े बड़े नेता, जिसको फोन करो वो घर में नहीं है, जब कोई फोन ही नहीं उठा रहा, जा लॉक है, कोई 5-स्टार होटल में बैठा है, कोई कहीं बैठा है। आतंकवादियों का निशाना क्या था, ये भी आपको बता दूं, 4 आतंकवादी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए। निशाना था पार्लियामेंट के अंदर जाना, आप बैठे हुए हैं ऐसे, अंदर जाना, वुमन बने हुए थे, AK-47, और अंदर जाके सबको उठा लेना, एक ही बात कहना, बोलो कश्मीर देते हो या ह्यूमन बम से हम भी उड़ेंगे, आप भी उड़ेंगे, सब मर जाएंगे। और मेरा ख्याल है मनमोहन सिंह, अब्दुल कलाम जैसे कुछ और ऐसे देशभक्त लोग शायद कहते कि हम गोली बम तो खा लेंगे पर हम कश्मीर नहीं देंगे।